हमारे पास अगली वाली स्टेज है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इनेमल ऑर्गन की जो चारों लेयर्स हैं उनको जो है डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम हमारे पास कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम हमारे पास ये आ जाते हैं, ये हमें पता है इंटरनल इनेमल एपिथीलियम। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम के सेल्स आपको पता है क्या होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। हमारे पास इसके क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इन क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर जो है वो लार्ज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे इतना काम नहीं होता इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो इतने नहीं मौजूद होते, होते हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। लाइक गॉर्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होते हैं, सही, क्योंकि इसका इतना काम नहीं है त्वचा के शेप में, ठीक है। इसका सिर्फ मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास इनेमल ऑर्गन को लिमिट करता है, इट लिमिट्स द इनेमल ऑर्गन, यानी यहाँ तक है बस इनेमल ऑर्गन, इनेमल ऑर्गन की हद बस यहाँ तक है। और इसके बराबर आपको पता है क्या होता है हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यू, ठीक है, वो मेसेनकाइमल टिश्यू जो ना ही डेंटल फॉलिकल में डिफरेंशिएट हुआ है और ना ही डेंटल पेपिला में। तो मेसेनकाइमल सेल्स को और इस इनेमल ऑर्गन को सेपरेट कौन करता है, ये सेपरेट करता है हमारे पास इसके अराउंड मौजूद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हमारे पास मौजूद होती है एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम के अराउंड, जो हमारे पास जो है इस मेसेनकाइमल टिश्यू को और एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम को जो है वो सेपरेट करती है। उसके अलावा ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनके बीच में भी कनेक्शंस होते हैं, तो इनके जो बीच में कनेक्शंस होते हैं ना जिससे ये अपना जो है मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी सिग्नल जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम, ठीक है। गैप जंक्शन और डेस्मोसोम जो है वो इनके बराबर होंगे। और हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो सर्वाइकल लूप होता है, अब ये सर्वाइकल लूप क्या होता है, बेसिकली ये सर्वाइकल लूप जो है वो हमारे पास फ्यूचर में जाके तूथ का वो पोर्शन बनाता है, यानी सर्वाइकल मार्जिन, कि अगर ये मेरे पास एक तूथ है और ये इसकी रूट है तो ये इसका सर्वाइकल मार्जिन होगा ना। तो ये क्या हमारे कहाँ से बनता है, ये हमारे पास सर्वाइकल लूप से बनता है। और सर्वाइकल लूप कहाँ है हमारे पास, ये रहा सर्वाइकल लूप, यानी एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम इज कंटिन्यूस विद इंटरनल इनेमल एपिथीलियम एट द पॉइंट ऑफ सर्वाइकल लूप, समझ आ गई बात। और सर्वाइकल लूप में जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो हमारे पास बहुत हाई होती है। तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल इनेमल एपिथीलियम।